नमस्कार साथियों, मैं हूं ब्रजेश कुमार साहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरा वीडियो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को यहां से सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल में जो घंटी है इसमें परमिशन ऑल कीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता रहूं आपसे रिलेटेड, आपसे संबंधित, आपके लिए लाभदायक, आप सभी को उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचता रहे। चलिए आज हम छत्तीसगढ़ की तीन भर्तियों के बारे में बात करेंगे। तीन भर्तियाँ आपकी निकली हुई है, ठीक ना, तीन जिलों में नई भर्तियाँ, जिनके बारे में हम डिटेल पूर्वक चर्चा करेंगे। पहले आप वीडियो अच्छे से ध्यान से देखिएगा, लास्ट में अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिएगा वीडियो को, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करें तो देखिए कार्यालय मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ की तरफ से आपका विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें बात करें यहाँ तो समझिएगा आप, ठीक ना, इसमें जो आपका है, ठीक ना, इंटरव्यू, वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से आपका चयन होना है, जिसमें दिनांक 20/10/2021 से 30/10/2021, मतलब 20 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, ठीक। वो कहाँ जाना है इंटरव्यू के लिए? कार्यालय मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जिला सूरजपुर में आपको प्रातः 9 बजे से इंटरव्यू आयोजित होगा, तो वहां आपको जाना है, ठीक। यदि आप इसके योग्य हैं तो सारी जानकारियां हम इस वीडियो में पूरा डिटेल वाइज देख रहे हैं। आपका पदों का विवरण, पहले पदों का विवरण देखते हैं तो नर्सिंग ऑफिसर की आपके टोटल 29 पद निकले हुए हैं, बाकी यहाँ अनारक्षित के पद, फिर अन्य पिछड़ा वर्ग के पद, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सभी के पद दिए हुए हैं, जिसको आप डिटेल से देख सकते हैं। मैं टोटल पद की व्याख्या आपको करूँगा यहाँ, ठीक। नर्सिंग ऑफिसर की आपके NHM के 16,500 रुपये प्रति महीना वेतन रहेगा, जिसमें 29 पद निकले हुए हैं। नर्सिंग ऑफिसर ICU के आपके 16,500 रुपये वेतन रहेगा, 2 पद निकले हुए हैं, ठीक। साथ में बात करें सेकेंड NM के आपके 12,000 वेतन रहेगा, जिसमें आपके 11 पद निकले हुए हैं। उसी प्रकार AMO के ANM का जो चौथा पद है ANM, उसके आपके 2 पद निकले हुए हैं, ठीक, इसमें 12,000 वेतन रहेगा। AMO आयुष के जो हैं आपके 25,000 वेतन रहेगा, 3 पद निकले हुए हैं। इसी प्रकार आगे बात करें AMO आयुष जो है इसके 25,000 वेतन रहेगा, 3 पद निकले हुए हैं। आगे लेबोरेटरी टेक्नीशियन के आपके 1 पद निकला हुआ है, जिसमें 14,000 रुपये वेतन रहेगा आपका। सेक्रेटरियल असिस्टेंट के 12,000 रुपये वेतन रहेगा आपके, 5 पद निकले हुए हैं। उसी प्रकार काउंसलर के जो हैं आपका 12,000 रुपये वेतन रहेगा, 3 पद निकले हुए हैं। सपोर्ट स्टाफ के आपके 10,000 वेतन रहेगा, 8 पद निकले हुए हैं। और जो आपका है सिक्योरिटी गार्ड के 4 पद निकले हुए हैं, जिसमें वेतन आपका 10,000 रुपये रहेगा। आयाबाई जो हैं इनके 8,800 रुपये वेतन रहेगा आपका, 6 पद निकला हुआ है। उसी प्रकार बात करें आपका क्लीनर के, तो क्लीनर का आपका 1 पद निकला हुआ है, ठीक ना, क्लीनर के आपके 3 पद निकले हुए हैं, ठीक ना, जिसमें 8,800 रुपये आपका वेतन रहेगा। और डेंटल असिस्टेंट का आपका 1 पद निकला हुआ है। टोटल पदों की बात करें तो आपका टोटल 78 पदों पे भर्तियां होनी है, जिसमें जनरल के 29 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के 13 पद हैं टोटल, और आपका SC के 2 पद हैं और ST के आपके 30 पद हैं टोटल। यहाँ समझिएगा, देखिए यहाँ जो है पदों की संख्या परिवर्तनीय है, आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक। आगे हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपका नर्सिंग ऑफिसर और नर्सिंग ऑफिसर सेकेंड NM एवं NM सभी के लिए आपका जो है, मतलब नर्सिंग ऑफिसर के लिए BSc नर्सिंग या GNM नर्सिंग होना चाहिए, और NM के लिए आपके पास NM कोर्स आपके पास होना चाहिए। AMO आयुष के लिए BHMS या BAMS कोर्स आपके पास होना चाहिए। साथ में लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए BMLT या DMLT कोर्स आपके पास होना चाहिए, और सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए आपके पास 12वीं पास होना चाहिए, साथ में 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा आपका होना चाहिए। काउंसलर के लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए सोशल वर्क के में, या फिर आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए सोशल वर्क में, साथ में 2 साल का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। सपोर्ट स्टाफ हाउस में आपका 8वीं पास होना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड के लिए आपको 10वीं पास होनी चाहिए। आयाबाई के लिए 8वीं पास होना चाहिए। क्लीनर के लिए 8वीं पास होना चाहिए, और डेंटल असिस्टेंट के लिए आपका 12वीं पास होना चाहिए, साथ में डेंटल असिस्टेंट का आपके पास डेंटल कोर्स होना चाहिए, ठीक ना। इसमें जो है आपका देखिए पंजीयन के लिए निर्धारित समय आपका प्रातः 9 से 11 तक आपका पंजीयन होगा, जिस दिन आपका रहेगा, ठीक, अभी बताऊंगा मैं। पात्र सूची का प्रकाशन दोपहर 1 से 3 बजे तक किया जाएगा, उसके बाद दावा आपत्ति का निराकरण 3:30 बजे के बाद होगा। लिखित या कौशल परीक्षा जो होगा वो आपका 4 से 4:30 के बीच में होगा, और मेरिट लिस्ट का, मेरिट सूची का जो प्रकाशन होगा वो 6:30 बजे से आपका हो जाएगा। आपका मेरिट लिस्ट का प्रकाशन, मतलब सारी जानकारियां आपको एक ही दिन में प्राप्त हो जाएगी, आपका चयन हुआ या नहीं, ठीक। इसमें बात करें तो देखिए अलग अलग पदवार यहां आवेदन प्राप्ति की परीक्षा तिथि आपकी दी हुई है, मतलब कब आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। जैसे सपोर्ट स्टाफ हाउसकीपिंग के लिए 20 और 21 अक्टूबर को आपको जाना है, ठीक।
क्लीनर के लिए 22 अक्टूबर को जाना है, सिक्योरिटी गार्ड के लिए 23 अक्टूबर को जाना है। इसी प्रकार से अलग अलग पदों के लिए अलग अलग डेट दिया हुआ है, जिसको आप अच्छे से देख सकते हैं। इसका पीडीएफ मैं जितनी भी जानकारी आपको यहाँ बताऊँगा, मैं पहले आपको बता देता हूँ, सभी की जानकारी आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में सभी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। क्या होगा, टेलीग्राम ग्रुप में सभी का पीडीएफ मिल जाएगा। तो सभी का पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक को टच करके आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, वहां आपको सभी का पीडीएफ मिल जाएगा। वहां आप अच्छे से डिटेल वाइज इसको अच्छे से सभी नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं, ठीक। बाकी यहाँ डेट आप वीडियो प्यूज करके भी अच्छे से देख सकते हैं, ठीक। और एक ही दिन में आपका पूरी जानकारी इसमें किया जाएगा, ठीक। इसमें बात करें जो है तो कौन फॉर्म भर सकता है, तो यहाँ समझिएगा 16,500 रुपये या फिर 16,500 रुपये से कम जिसमें वेतन है, ठीक ना, उसमें सूरजपुर जिले के मूल निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। और 16,500 रुपये से अधिक वेतन जिसमें है, उसमें सभी जिले के निवासियों को समान अवसर दिया जाएगा, कोई भी आवेदन कर सकता है, ठीक। आगे समझिएगा जो शुल्क है, इसमें देख सकते हैं आपका आवेदन शुल्क यहाँ रखा गया है, जिसमें यहाँ देख सकते हैं आपका, ठीक ना, जिसको आपको डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से पे करना है, ठीक ना। विकलांग के लिए 100 रुपये है, पिछड़ा वर्ग के लिए 200 रुपये, अनारक्षित के लिए आपका 300 रुपये है। इसी प्रकार से इसमें बाकी आपका चयन प्रक्रिया संबंधी सारी जानकारी आप इस पीडीएफ में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सारी जानकारी इसमें दिया हुआ है, आपका चयन कैसे होगा, किस प्रकार होगा, देखिए। पहले हम आयु सीमा बात करते हैं, 1 जनवरी 2021 से आयु की गणना की जाएगी, जिसमें न्यूनतम आयु आपका 18 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम आयु 70 वर्ष चिकित्सकीय पद के लिए एवं 64 वर्ष प्रबंधकीय पद के लिए होना चाहिए। आयु गणना 1 जनवरी 2021 से की जाएगी। इसमें देखिए आपका कैसे शैक्षणिक योग्यता का कितना लिया जाएगा, कौशल परीक्षा कितने का होगा, अनुभव का कितना दिया जाएगा, सारी जानकारियाँ इसमें अलग अलग पदों के लिए अलग अलग दी हुई है, ठीक है। लगभग सभी में 60% या 65% कोर्स का होगा आपका शैक्षणिक योग्यता का, 20% कौशल परीक्षा होगा और 20 नंबर का आपका अनुभव का दिया जाएगा, टोटल 100 नंबर का होगा। इसी प्रकार से आपको पूरी जानकारी है, ठीक ना। इसमें देखिए आपका जो आवेदन पत्र का प्रारूप है, जिसको आपको भरना पड़ेगा वहाँ जाएंगे वाकिन इंटर के लिए, तो ये आवेदन पत्र का प्रारूप है जो आपके मेरे आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए अब हम दूसरे जिले की भर्ती के बारे में बात करते हैं, आगे बात करते हैं। तो यहाँ देखिए आपका कार्यालय में चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जिला बीजापुर छत्तीसगढ़ की तरफ से आपका ज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें बात करें तो यहाँ समझिएगा आपको इसमें जो है स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के द्वारा आपको आवेदन करना है, जो कि आपका आवेदन करने का अंतिम तिथि 13 अक्टूबर 2021 है, ठीक ना, मतलब परसों लास्ट तिथि है। आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो जल्दी ही आवेदन इसमें आपको करना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि नोटिफिकेशन जानकारी देने में मुझे लेट हो गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक ना। इसका देखिए इसमें पदों का विवरण देख लेते हैं हम, तो स्टाफ नर्स के पद निकले हुए हैं, जिसमें टोटल पद यहाँ दिया हुआ है आपका देख सकते हैं, और यहाँ आपका ओबीसी का पद, यहाँ एसटी का, यहाँ एससी का, यहाँ अनरिजर्व मतलब यूआर मतलब जनरल कैटेगरी का पोस्ट दिया हुआ है। सभी में इसी प्रकार से पद दिए हुए हैं, जिसको आप पूरा पद देख सकते हैं, मैं आपको टोटल पद का बताऊंगा यहाँ, ठीक। स्टाफ नर्स का 16,500 रुपये वेतन रहेगा, 28 पद निकले हुए हैं। बीएससी नर्सिंग या जीएनएम नर्सिंग कोर्स आपके पास होना चाहिए। लेबोरेटरी टेक्नीशियन का 14,000 रुपये वेतन रहेगा आपका, टोटल 2 पद निकले हुए हैं। डीएमएलटी या बीएमएलटी कोर्स आपके पास होना चाहिए। डेंटल असिस्टेंट का 12,000 आपका वेतन रहेगा, टोटल 2 पद निकले हुए हैं। मैट्रिकुलेशन आपका 10वीं पास होना चाहिए, मतलब मैट्रिकुलेशन मतलब 12वीं पास होना चाहिए, ठीक है। फार्मासिस्ट के 16,500 रुपये वेतन रहेंगे, जिसमें 4 पद निकले हुए हैं। डिग्री या डिप्लोमा आपका फार्मेसी में होना चाहिए। आगे बात करें काउंसलर के, तो 12,000 रुपये वेतन रहेगा, 4 पद निकला हुआ है। पीजी डिग्री या डिप्लोमा इन फिजिकोलॉजी आपके पास होना चाहिए। आगे काउंसलर ब्लड बैंक का 12,000 रुपये वेतन रहेगा, 1 पद निकला हुआ है। पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए सोशल वर्क या सोशियोलॉजी या फिजिकोलॉजी में, साथ में आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। सपोर्ट स्टाफ के आपके 8 पद निकले हुए हैं, 10,000 रुपये आपका वेतन रहेगा, ठीक ना। इसी प्रकार जिसमें योग्यता आपका जो है 8वीं पास होना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड के 4 पद निकले हुए हैं, जिसमें आपका वेतन 10,000 रुपये रहेगा, 10वीं पास योग्यता इसमें रखा गया है आपका। आगे बात करें तो ब्लॉक मैनेजर प्रोग्राम के 26,000 रुपये वेतन रहेगा, 1 पद निकला हुआ है। एमबीए या एमएसडब्ल्यू कोर्स आपके पास होना चाहिए, साथ में 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। डीईओ का पोस्ट निकला हुआ है, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट का 13,650 रुपये वेतन रहेगा, टोटल 1 पोस्ट निकला हुआ है। ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ में 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। डीईओ जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट का एक पद और निकला हुआ है, 13,650 रुपये वेतन रहेगा, इसमें ग्रेजुएशन साथ 1 साल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये भी आपका डीईओ का पोस्ट है, सेम वेतन है आपका, 1 पद है, इसमें भी आपका ग्रेजुएशन प्लस 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए आपका, ठीक ना। इसे हम बात करें सही में, तो देखिए जो 16,500 रुपये या 16,500 रुपये से कम वेतन है, उसमें बीजापुर जिले के मूल निवासियों को प्राथमिकता दिया जाएगा, बाकी आवेदन कोई भी कर सकता है। लेकिन 16,500 रुपये से अधिक जिसमें वेतन है, उसमें सभी जिले के निवासियों को समान प्राथमिकता दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य के आप निवासी हैं तो आप उनमें फॉर्म पूरी तरह से फिल कर सकते हैं, ठीक। आगे बात करें तो यहाँ देखिए आपका आवेदन शुल्क यहाँ दिया हुआ है, ठीक ना, जिसको यहाँ देखिए यहाँ आवेदन शुल्क दिया हुआ है 400 रुपये निर्धारित है, जो कि आपको डीडी के माध्यम से जिला स्वास्थ्य समिति
बीजापुर में आपको शुल्क करना होगा, ठीक ना। और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 200 रुपये है, मतलब महिला एवं अनुसूचित जाति जनजाति के लिए। अन्य पिछड़ा वर्ग और जनरल के लिए 400 रुपये है। बाकी इसमें आयु की बात करें तो 18 से 64 वर्ष आयु होना चाहिए। 1 जनवरी 2021 से आयु की गणना की जाएगी। यह आवेदन पत्र का प्रारूप इसका, ठीक ना। इस आवेदन पत्र के प्रारूप को भरकर आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से जमा करना है। आशा करता हूँ इसकी जानकारी आपको शॉर्ट में समझ आ गई होगी। बाकी डिटेल जानकारी आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप के में मिल जाएगा, वहाँ आपको PDF मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए तीसरी भर्ती के बारे में बात करते हैं। आगे बात करें तो यहाँ देखिए आपका कार्यालय में कुछ एग्जाम स्वास्थ्य अधिकारी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ में निकला हुआ है 6 अक्टूबर 2021 को। इसमें बात करें यहाँ तो समझिए आप, ठीक ना। इसमें जो है पात्र उम्मीदवार स्वामी विवेकानंद संभाग सभागार, ठीक ना, पद्मनाभपुर केंद्रीय जेल के सामने में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर 20/10/2021 को, ठीक ना, मतलब 20 अक्टूबर को 10:30 से 4 बजे तक आप कर सकते हैं। यहाँ देखिए आपका, ठीक ना, सेम भी आपको सेम जाकर करना है आवेदन, बाकी नया आवेदन नहीं करना है। पंजीयन हेतु निर्धारित समय आपका 20 अक्टूबर 2021 है, इसमें आपको 10:30 से 4 बजे तक जाना है। पात्र पात्र सूची का प्रकाशन आपको 23/10/2021 को होगा, ठीक ना। और दावा आपत्ति आप 25/10/2021 को कर सकते हैं। दावा आपत्ति का निराकरण 28 अक्टूबर को होगा। रिक्तवार पदों का विवरण भी आपका, सारे वैकेंसी आपके स्वास्थ्य विभाग से हैं। नर्सिंग के लिए आपके पास आपको योग्यता पता चल ही गया होगा, जैसे पहले में था BSc+GNM नर्सिंग, वेतन सेम है आपका। टोटल 31 पद निकला हुआ है, यहाँ कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। जनरल के लिए है, उसके बाद पिछड़ा वर्ग के लिए, फिर अनुसूचित जाति के लिए है, फिर अनुसूचित जनजाति के लिए है, तो उसको आप अच्छे से देख सकते हैं। बाकी ANM का 2 पद निकला हुआ है, 12वीं पास+ANM कोर्स होना चाहिए। फिजियोथेरेपिस्ट का 1 पद निकला हुआ है, 18,000 वेतन रहेगा, बैचलर ऑफ डिग्री फिजियोथेरेपी में आपका होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट के 1 पद निकला हुआ है, 15,000 वेतन रहेगा, डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। इससे संबंधित डेंटल असिस्टेंट का 4 पद निकला हुआ है, 12,000 रुपये वेतन रहेगा, मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, साथ में 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे बात करें तो काउंसलर का पद निकला हुआ है, जिसमें आपका 1 पद निकला हुआ है, 12,000 वेतन रहेगा, PG डिग्री या डिप्लोमा आपका फिजिकोलॉजी में होना चाहिए। आगे अटेंडेंट हॉस्पिटल अटेंडेंट का 1 पद निकला हुआ है, 12वीं पास योग्यता रखा गया है, 8,800 रुपये आपका वेतन रहेगा। हाउसकीपिंग सपोर्टिंग स्टाफ के 8,800 रुपये वेतन, 8वीं पास योग्यता, 8 पद निकले हुए हैं आपके, ठीक ना। बाकी बात करें सिक्योरिटी गार्ड के तो 4 पद निकले हुए हैं, 8,800 रुपये वेतन रहेगा, 10वीं पास होना चाहिए, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए 13,650 रुपये वेतन रहेगा आपका, 1 पद निकला हुआ है, 12वीं पास होना चाहिए, साथ में आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड भी आपका तेज होना चाहिए। आयु की बात करें इसमें तो आपका जो है 18-70 वर्ष चिकित्सकीय पद हेतु और 64 वर्ष प्रबंधकीय पद हेतु होना चाहिए। साथ में सिक्योरिटी गार्ड के लिए 21 से 40 वर्ष आपका आयु होना चाहिए। बाकी जो आयु में छूट दी जाती है 3 वर्ष 5 साल, वो आपकी लागू रहेगी। बाकी यहाँ देख सकते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस से संबंधित सारी जानकारियाँ यहाँ दी हुई है, जिसको आप PDF में अच्छे से पढ़ सकते हैं। लगभग 60 या 65% सही में आपके लिए जाएंगे शैक्षणिक योग्यता का। बाकी 20 नंबर का कौशल परीक्षा होगा और 20 नंबर आपका आपके अनुभव के आधार पर दिया जाएगा। यहाँ शुल्क आपको जमा करना है, यहाँ देख सकते हैं, ठीक ना। शुल्क यहाँ आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको जमा करना है, देख सकते हैं। बाकी 16,500 रुपये या 16,500 रुपये जिसमें वेतन रहेगा, उसमें जिले के मूल अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दिया जाएगा, ठीक ना। बाकी आवेदन कोई भी कर सकता है, लेकिन 16,500 से अधिक वेतन जिसमें है, उसमें जिले के सभी, मतलब छत्तीसगढ़ के समस्त निवासियों को समान प्राथमिकता दिया जाएगा। आशा करता हूँ कि सारी जानकारियाँ, इन तीनों जानकारियाँ आपको अच्छी लगी होंगी, आपको समझ में आ गई होंगी। यदि अच्छी लगी होंगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाकी आपको सारी जानकारियाँ और PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।